आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषित प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए और साथ ही मिशन 2017 को सफल बनाने के लिए आज पार्टी कार्यालय पर महानगर कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी के नेतृत्व में विचार विमर्श किया, साथ ही रणनीति भी तय की। अन्य राजनीतिक दलों की तरह कांग्रेस भी मिशन 2017 को फतह करने के लिए रणनीति बना रही है, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करने के लिए समय समय पर बैठकें भी आयोजित कर रही है। इसी क्रम में पार्टी कार्यालय पर आज महानगर कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बैठक की और अपने पार्टी के घोषित प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए गहन मंथन किया। पर्ची डालते हैं, लाश होता कोई और आता है, तो मेरा ये कहना है कि जैसे तो ये भी तो बूथ वाइज जो बना रहे हैं तो देखा जाएगा पहले इन्होंने कितने बूथ बनाए हैं। अब कोई प्रत्याशी काम किया जो इतने सालों से है, अब आज जो प्रत्याशी बनेगा उसको पहले ही कोई चर्चा है। अब प्रत्याशियों जो प्रत्याशी आएंगे ये दें कि ये जिनको चुनेंगे जिनको वोटिंग हुई उनको प्रत्याशी बनाया जाए, ये तो समझ नहीं आता है यहाँ। ये से अब इस तरह से ये करना कि जो प्रत्याशी आएगा वो पहले बैठे हुए। महानगर अध्यक्ष अरुण अग्रहरी ने बताया कि आगामी चुनाव में किस तरह से कार्यकर्ता काम करें इसके लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। विधानसभा जो आगामी विधानसभा 2017 के तैयारी के संबंध में वो बूथ लेवल तक बूथ एजेंट बनाने के बारे में, वार्डों के बारे में या जो लोग निष्क्रिय हैं उनको हटा के संगठन के मजबूती के लिए, संगठन को आगे ले जाने के लिए किस तरह से संगठन इस तरह के निर्णायक भूमिका में आ जाए। तो संगठन जो है जो भी चुनाव में टिकट पाता है, जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार है, उसके चुनाव प्रचार में संगठन पूरी ताकत के साथ, पूरे समर्पण के साथ वो कांग्रेस द्वारा घोषित प्रत्याशी को जिताने का काम करे। इस पे लोगों का सुझाव मांगा जा रहा है, कुछ चीज़ें नहीं भी किए जा रहे हैं। जो बूथ एजेंट है बूथ एजेंट के लिए लोगों से कहा जा रहा है, वो जब तक बूथ एजेंट तक लेवल पे हमारा नहीं तैयारी होगी तब तक ठीक ढंग से चुनाव लड़ना संभव नहीं। ये सारे मुद्दे को लेके आज बैठक बुलाई गई है।